हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से अगर आप सभी का आपके अपने चैनल एम ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके चैनल पर ट्रेन जुड़ी है इन्फॉर्मेशन और इंडियन रेलवे जुड़ी है लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और ट्रेन से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर पूछ सकते हो। दोस्तों, आप मैं ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। इनके अलावा मेरा और एक चैनल है इंडियन मोबाइल एम कुमार, जिन पर मैं अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाता हूँ। आप चाहो तो उन्हें विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 057-33 और ट्रेन नंबर 057-34 COVID-19 स्पेशल कटिहार अमृतसर और अमृतसर कटिहार की। तो दोस्तों, आज मैं इस ट्रेन की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कटिहार से कौन से दिन प्रस्थान करने वाली है और ये ट्रेन कब से शुरू होने वाली है और फिर अमृतसर से कटिहार के लिए कब से चलेगी, और मैं सारी जानकारी इस ट्रेन की आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन नंबर 057-33 COVID-19 स्पेशल कटिहार अमृतसर, जो कि दोस्तों 30 अप्रैल से कटिहार से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, यानी कि वीक में, हफ्ते में 3 दिन, कटिहार से 22:45 पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को कटिहार से 22:45 पे प्रस्थान करेगी, और तीसरे दिन 12:20 पे अमृतसर पहुंच जाएगी। बात करें इसके रूट की, तो दोस्तों यह ट्रेन वाया बरौनी, समस्तीपुर, गोरखपुर, कानपुर, दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना और जलंधर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। और दोस्तों, ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करेगी 1805 किलोमीटर की दूरी 37 घंटे 35 मिनट में तय करेगी, विथ एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों, कटिहार से अमृतसर के बीच इस ट्रेन की कुल 51 स्टॉप है। अब बात करते हैं इस ट्रेन में कोचेस की। तो दोस्तों, इस ट्रेन में आपको 4 प्रकार की कोचेस मिलेंगी, सेकेंड सीटिंग, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी और सेकेंड एसी। बात करें फेयर की, तो दोस्तों सेकेंड सीटिंग में पर पर्सन फेयर 435 रुपये, स्लीपर क्लास पर पर्सन 710 रुपये और थर्ड एसी पर पर्सन 1880 रुपये और सेकेंड एसी पर पर्सन 2735 रुपये। और दोस्तों, वापसी में ये ट्रेन अमृतसर से कटिहार के लिए एवरी थर्सडे, सैटरडे और मंडे को अमृतसर से 8:25 पर प्रस्थान करेगी और 22:10 पर कटिहार पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस ट्रेन की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये ट्रेन कटिहार से 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जो कि दोस्तों हफ्ते में 3 दिन कटिहार से और हफ्ते में 3 दिन अमृतसर से कटिहार के लिए चलेगी। तो दोस्तों, ये थी इस ट्रेन की कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और इसकी बुकिंग भी दोस्तों शुरू हो चुकी है। आप IRCTC और काउंटर पर जाकर इनकी बुकिंग करा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और दोस्तों, ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।